कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मंच से भड़काऊ बयान देते हुए भाजपा के नाम से लोगों को डराने का प्रयास किया है। राशिद अल्वी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2022 में भाजपा की सरकार फिर से आ गई तो हालात इतने खराब हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल वो हाल ही में हरिद्वार और रायपुर में हुई धर्म संसद का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी को टारगेट कर रहे थे। राशिद अल्वी ने कहा कि वो संसद नहीं अधर्म संसद थी, जहाँ पर तलवारें उठाने के लिए कहा जा रहा था, मुसलमानों को काटने के लिए कहा जा रहा था। इस देश में उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और अगर उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है तो इसका मतलब उनके ऊपर मोदी योगी का हाथ है, क्योंकि वो लोग खामोश हैं। राशिद अल्वी ने मंच से भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया और हमला बोलते हुए कहा कि एक महिला पार्लियामेंट में बैठी है जो गांधी जी के हत्यारे गोडसे का गुणगान करती है, महात्मा गांधी की मुखालफत करती है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कांग्रेस नेता इतने बढ़ से नहीं रुके और कहा कि भाजपा देश को बर्बाद करने में लगी है। कोरोना की बूस्टर डोज देने के मामले पर भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब अभी तक देश की आधी आबादी को दूसरी डोज ही नहीं लग पाई, अब ये सरकार बूस्टर डोज लगाने की बात कर रही है। वहीं राशिद अल्वी ने कृषि कानून पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए काले कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये फिर लाएगी। आप सबने कृषि मंत्री का बयान अखबार में पढ़ ही लिया होगा। वहीं जब कांग्रेस नेता से कानपुर और कन्नौज में पकड़ी गई ब्लैक मनी पर सवाल किया गया तो वह सपा का बचाव करते हुए नजर आए और कहने लगे कि कुछ लोग तो पीयूष जैन को भाजपा का नजदीकी बता रहे हैं। पूरे प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी शुरुआत की है, जैसे जैसे चुनाव आएगा हालात खराब होंगे, कम्युनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, नफरत को फैलाने की कोशिश की जाएगी। मैं आप सबसे बड़े अदब से पूछता हूं कि जिन लोगों ने काम किया हो वो कभी नफरत नहीं फैला, वो वोट मांगते हैं अपने काम की बुनियाद पे कि हमने ये काम किया है, जनता वोट देती। लेकिन जो सरकारें काम नहीं करती, निकम्मी सरकारें हैं, वो नफरत फैलाकर वोट हासिल करना चाहते। छत्तीसगढ़ के अंदर महात्मा गांधी के बारे में बेइज्जती की गई, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, गॉडसे को पूजनीय बताया जा रहा। ये वही भारत है जिसे हम कहते हैं कि ये महात्मा गांधी का भारत है, ये वही भारत है जिस महात्मा गांधी की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत होती है, साउथ अफ्रीका से लेकर और अमरीका तक। आज अपने ही देश के अंदर उनकी बेइज्जती होगी, आज उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और गॉडसे को कहा जाएगा कि उसकी पूजा होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर ऐसी महिला बैठी है जो गॉडसे को पूजनीय बताती, जो महात्मा गांधी की मुखालफत करती, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, आज प्रदेश का सवाल है। और ये बात मैं बहुत बार कहता हूं कि जो लोग, जो कौम दुश्मन और दोस्त की तमीज नहीं कर सकते से पहले। इसके अलावा धर्म संसद को लेकर के जो विवाद चलता हुआ आ रहा है, उस अब धर्म संसद बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वो धर्म संसद था ही नहीं, वो अधर्म संसद था, जहाँ पे तलवारें उठाने के लिए कहा जा रहा हो, मुसलमानों को कत्लेआम करने के लिए कहा जा रहा हो। इस देश में उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उत्तराखंड की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ उनके ऊपर है। राशिद अल्वी जी, आप ये सरकार 130 करोड़ के लोगों की बात करते हैं, वो तो 130 करोड़ लोगों को एक डोज लगी है, दो डोजे सिर्फ 57.7 करोड़ लोगों को लगी। राशिद अल्वी जी, तो तीसरी डोज किसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? राशिद, लास्ट सवाल है, ब्लैक मनी पकड़ी गई है यूपी से, कई जगह से सपा के नज़दीकी बताए गए हैं पीयूष जैन, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस पे यकीन नहीं करता। जो आदमी पकड़ा गया उससे पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए। वो कुछ लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है।